बाबा वेंकटेश्वर महाराज की वो तुलसीरामजी देव की वो बालदास जी महाराज की वो गौ माता की तो हमारे गुरुदेव का नाम लेते हैं जैसे हम श्यावराम चंद्र की हनुमान की आपने देखा आज की हवा भी पवन सूत्र हनुमान जी ने बदल दी। आज के यहाँ पर युवा साथी हमारे सीनियर और सभी समाज के बंधु जब इस ग्राउंड में आकर यहाँ पर विराजमान हुए तब ऐसा लगा कि सही मायने में इस ग्राउंड का शक्ति प्रदर्शन है और सदुपयोग हो रहा है क्योंकि इसके पहले भी हमने भोजनशालाओं का अरेंजमेंट किया यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर भजन संध्या रखी गई है ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए पर आज के समय में सबसे ज्यादा आज मुझे लगता है कि राजपुरोहित जी के नेतृत्व में यहाँ पर आकर इस ग्राम का महत्व बढ़ा है और मान सम्मान उजागर हुआ है। एक गांव का नाम मनोहर और नेत्रा निवासी जब मनोहर और इसके पिता और माता के नेत्र से ओझल हो गया होगा तो इनके माता पिता की क्या हलचल होगी क्या हालत होगी होगी क्या पिता एक पुत्र का सहयोग नहीं करता क्या आपको लगता है कि राजपुरोहित जी भी मेरे जैसे पुत्र का नेत्र से उजागर होने पर डरते नहीं होंगे क्या आपको भी ऐसा लगता है कि माँ अपने बेटे को हर बार उस फोटो में देखकर रोती नहीं होगी क्या आपका पिता अपने पुत्र के फोटो को देखकर निराश नहीं होता होगा। यह सिर्फ बेटी के लिए नहीं है आज एक बेटे के गुमनाम होने का हमारे समाज को थोड़ा हाथ झुका के चलना चाहिए क्योंकि पूरा राजस्थान हमारे पास पड़ा था मीटिंग के लिए इतनी बड़ी बड़ी जगह हम तय कर चुक सकते थे पर यहाँ पर हम क्यों आए क्यों हमारे नेतृत्व के लिए राज के पुरोहित जैसे नेता ने हामी भरी और हामी बनने के बाद जब राजस्थान के न्यूज़पेपरों में जैसे राजू जी ने कहा अजय राज जी साहब ने कहा खेतेश्वर जी ने कहा और समाज के कई बंधुओं ने आवाज उठाई तब राजपुरोहित जी के दिल में भी हृदय में भी ये बात आई कि अगर मेरा पुत्र भी गायब हुआ होता तो मुझे कितना दुख हुआ था वैसे ही किसी का पुत्र गायब हुआ है उसके लिए समाज को जागने की आज जरूरत आज खेत सिंह जी ने एक बात कही लास्ट में कि आज हम साढ़े चार साल के बाद क्यों जागे जागे क्यों है जब जागे वही सवेरा हम जागरूक तो है कहीं ना कहीं हमको मौका तो मिला एकत्र होने का मौका तो मिला एक साथ अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का मौका तो मिला। यार ये तो सोचो अगर हमको कोई मौका नहीं देता हमारे सामने कोई आता नहीं हमारी विचारधारा को तेज नहीं करता हर बार हम कहते हैं कि खाने में घी डालो तो उसका भी आनंद लिया जाता है पर यह आनंद का विषय नहीं ये मौका ये विषय ऐसा है कि इसमें समय का भोग देना है दोस्तों समय का भोग देना है। कोई पैसे नहीं कोई उपलब्धि नहीं कोई साधन नहीं कहीं राजस्थान जाके बात नहीं करनी पर आज का समय
अगर समाज हमसे मांगता है तो समय का भोग मांगता है दोस्तों, समय का भोग मांगता है। और समय का भोग देने में क्या है, जैसे आज रविवार के दिन अब इतने लोग आए और सही मायने में इस बैनर पे जो लिखा है वही हम लोग को ये समझ के यहां से जाना चाहिए। एक राजपुरोहित लाल राजपुरोहित जब यहां से ये मैसेज जाएगा, जब यहां से ये बैनर के फोटो आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान की धरती हिल जाएगी, अपने महाराणा प्रताप जी की यह धरती हिल जाएगी। और यहां से जब दिल्ली रियल मैसेज जाएगा तो हम तक ये न्यूज आ सकती है, भगवान करे कि उसके माता पिता को अपना बेटा मिल जाए। कहीं ना कहीं प्रयत्न करने की जरूरत है, प्रयत्न करेंगे नदी की धारा को धारा दिखलाएंगे तभी नहीं बहेगी, नहीं तो आगे पत्थर पड़ा होगा तो पत्थर को काट के कैसे वो नदी आगे बढ़ेगी वो तो सोचिए सर। आपके दिमाग को, आपको, आपके शरीर को, इस समाज को दिशा दिखलाने के लिए एक शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है। और आज मुझे से एक युवा को इससे मैं भी दो शब्द इस मनोहर जैसे लड़के के लिए मैं बोल सकूं और समाज में अपना व्यक्तित्व प्रदर्शन कर सकूं। धन्यवाद है आप लोग कि आप लोगों ने इस आकाश पुरोहित जैसे लड़के को भी अपने समाज में आपने समा के रखा और आगे बढ़ने का एक मौका दिया। और उसी मौके को उपलब्धि में बदलकर मैं आज समाज के सामने अपना समय देने को तैयार हूं, समय का पूरा पूरा योगदान देने को तैयार हूं कि कहीं ना कहीं समाज को न्याय मिले, जैसे मैं अपने सी वार्ड के रहवासियों के साथ काम करके आगे करता हूं, नेतृत्व रखता हूं, उनका कोई भी काम हो उनका समाधान करके दिखाता हूं, वैसे का वैसा ही आज मुझे लगता है कि समाज के कई गणमान्य अतिथि अग्रिम लोग जो अपनी बातों को समाज के आगे रखने में सक्षम है वैसे ही लोग आए, ऐसे ही लोग आएंगे आगे तो ये मुद्दा गर्म हो पाएगा। और इस सही मायने में जो हमने खाने पर जो ये तवा रखा और गर्म होने के लिए पूरा घी मसाला जो भी जोड़ना एक साथ जो भी तरह की तकनीकी हमें काम और बातें आगे रखनी है उस बातों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। अभी हमने समाज ने एक फ्रंट फुट आगे रखा है, अभी तो सिक्स मारना है, तैयारी करनी है दोस्तों, आगे का काम बेड़ा पार लगाने के लिए नेतृत्व मिला है। हमें ज्यादा नाम भी तो नहीं, आप जानते हैं कि मेरे नाम के आगे राजकीय प्रोहित तो लिखाई और मैं अभी भी चाय और उसका आनंद कुछ लोगों के साथ ले रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि पिता का नाम हमेशा क्यों जोड़ते हो, तो मैं छोटी सी बात है पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, पर अगर पिता ना हो और मां ना हो तो इस बेटे का क्या हो चुका, पिता ही नहीं और मां नहीं तो बेटे का क्या वजूद, तो बेटे के आगे मां बाप का नाम तो लगना जरूरी है। अरे जब ये पत्थर है पार है तभी तो अच्छी हवा आती है और लोग इधर आके विश्राम करते हैं, वैसे ही माँ और पिता का जब आसरा रहता है तभी बेटा आगे बढ़ता है, उसके अंदर हवा है जो हवा आगे आके निकलती है और आपके सामने पेश कर सकते। दो मिनट सिर्फ एक मिनट में मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, मेरे साथ आपको ये आगे बात रखनी है। मैं कहूंगा मनोहर राजपुरोहित को न्याय दो, आपको यही शब्द दोहराने, मनोहर राजपुरोहित को न्याय दो, मनोहर राजपुरोहित को न्याय दो, मनोहर राजपुरोहित को न्याय मिलना ही चाहिए, मनोहर राजपुरोहित को न्याय मिलना ही चाहिए। राजपुरोहित समाज के साथ अन्याय क्यों हो, राजपुरोहित समाज के साथ अन्याय क्यों हो, राजपुरोहित समाज के साथ अन्याय क्यों हो।
माँ बाप का एक लौता बेटा, तीन बहनों का एक इकलौता भाई, आपका हमारा समाज का बेटा भाई, उसके साथ अन्याय क्यों? आज महासभा को एक झांकी है, अन्याय नहीं मिला तो माँ पंचायत बाकी है। दोस्तों मैं आपके सामने ये बात रखकर हमारी मेरी इस जबान को थोड़ी देर के लिए बंद रखूंगा, पर ये शरीर चलता रहेगा, ये शरीर काम करता रहेगा, और जहां समाज को न्याय दिखाने के रास्ता मिलेगा वहां पत्थर तो क्या रास्ते भी खोद के देने का। वैसे भी एक छोटी सी बात हंसते हंसते खत्म करता हूँ, नगर सेवक का काम भी रास्ते बनाना है, पत्थर लगते हैं और रास्ता बन के तैयार होता है तभी समाज स्वागत करता है। इसीलिए इस काम में जरूर हमको पत्थर लगेंगे, जरूर बड़ी बड़ी मशीनें तैयार होंगी, नई नई मशीनें अपने अपने उदाहरण देने के लिए तैयार होगी, पर ये काम समाज को आगे लेके बढ़ना है, आप सबके साथ ही ये काम होगा, नहीं तो आप नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो ये बेटे को न्याय नहीं मिलेगा। आप सबसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और इसके न्याय की भीख मांगता हूँ कि आप सब लोग ऐसे कैसे तैयारी से जोर से लगिए, जिधर भी जगह आपको हमारे सी रोड में या आजाद मैदान भी आपको जरूरत होगी मैं आपके लिए खड़ा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हूँ, आगे भी आपके नेतृत्व तो में कभी चुप नहीं करूंगा और आपका साथ नहीं आपके साथ में चलूंगा, आप मेरे पीछे नहीं न मैं आपके आगे हूँ, मैं आपके साथ हूँ और इस न्याय में भी मैं आपके साथ रहूंगा। बोलो खेते सर महाराज की, बोलो श्यावर चंद्र की, पंचतन मान की, हर महादेव। धन्यवाद।